दोस्तों, ब्लेस्ड माइंड के बारे में आपने कभी सुना है? ब्लेस्ड माइंड इतना तेज माइंड होता है कि अगर ब्लेस्ड माइंड वाला इंसान कोई एक मोटी किताब पढ़ ले तो उसे वह किताब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि एक बार पढ़ने से ही उसके दिमाग में सब कुछ छप जाएगा। दिमाग अगर ये स्मार्ट तरीके से काम करता है तो आप दुनिया जीत लोगे। और अगर आपको थोड़ी भी बोलने की बीमारी है या फिर आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं तो दोस्तों, आप कभी भी किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि सारी गेम ही दिमाग की है। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सक्सेस मंत्र बताता हूँ कि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। इसे सुनकर आप आज से ही हार्डवर्क करना शुरू कर दोगे। आपको करना क्या है कि आपको अपने दिमाग में कोई हाई लेवल की चीज़ सोच लेनी है। आप सोच लो कि मुझे एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है या मुझे एक बड़ा बंगला चाहिए। अगर आपने इन बड़ी बड़ी चीज़ों का सपना देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर लोगे। अब बात आती है दिमाग। दिमाग को कैसे तेज करें? ये वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग इतना ब्रिलियंट, जीनियस और इतना तेज हो जाएगा कि आप किसी भी काम को करने के लिए एक्सपर्ट हो जाओगे। दिमाग को तेज करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है माइंड की एक्सरसाइज, दूसरा है माइंड को रेस्ट देना। और अगर आप ये सोचते हो कि हम घर पर सोते हैं तो हमारे माइंड को रेस्ट मिल जाता है तो यह आपकी गलतफहमी है। मैं आपको बता दूं, रात को आपका दिमाग और ज़्यादा काम करता है। रात को सोते समय दिमाग सक्रिय होता है और ज़्यादा सक्रिय होता है। और दिन में तो आप दिमाग से काम लेते ही हो, दिन में तो आपका दिमाग चलता ही है। अब आप मुझे ये बताओ कि इसके बीच में आपके दिमाग को रेस्ट कब मिला? चलो, आज मैं आपको दिमाग को तेज करने का एक प्राचीन तरीका बताऊंगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो की हर एक इन्फॉर्मेशन आपके काम आने वाली है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एकाग्रता, ध्यान लगाना किसी चीज़ पर, कंसंट्रेशन, कि आप कितनी देर तक किसी भी चीज़ पर ध्यान लगाकर सोच सकते हो। देखिए, मैं आपको आज माइंड टेस्ट करने का एक तरीका बताता हूँ। आप किसी खुली जगह पर जाकर आसन लगाकर बैठ जाइए और आंखें बंद करके अपने दिमाग में कोई एक चीज़ सोच लीजिए, किसी एक चीज़ की तस्वीर बना लीजिए। और अगर आप 3 से 4 मिनट तक उसके बारे में सोचते हैं, जितनी भी देर तक आप उसके बारे में सोचते हैं, उसके बीच में यदि आपके मन में कोई दूसरा विचार आ जाता है या फिर आपका मन भटक जाता है तो आप यहीं से समझ जाइए कि आपकी एकाग्रता कितनी है। 3 तरह के माइंड होते हैं, मंकी माइंड, कंसंट्रेशन माइंड, ब्लेस्ड माइंड। अब यहीं से सारी गेम शुरू होती है। ध्यान से समझिए, पहले आता है मंकी माइंड। दुनिया के 90% लोगों का दिमाग इसी कैटेगरी में आता है। मंकी माइंड, आप नाम से ही समझ गए होंगे, जिस तरह कोई एक बंदर आराम से नहीं बैठ सकता, ऐसे ही मंकी माइंड, इसमें फालतू के विचार आते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। मंकी माइंड वाला इंसान कभी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, और आप भी शायद इसी माइंड में आते हो। अगला आता है कंसंट्रेशन माइंड। आप मंकी माइंड को कंसंट्रेशन माइंड में बदल सकते हो, जो कि गुड न्यूज़ है। इस माइंड का नेचर होता है कि ये फ्लो में वर्क करता है। कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, एक ही जगह पर ध्यान लगाकर काम करना। कंसंट्रेशन माइंड वाले का दिमाग अगर किसी चीज़ में लग गया तो समझो बस लग गया, अब वो उस काम को करके ही छोड़ेगा। कंसंट्रेशन माइंड से पावरफुल होता है ब्लेस्ड माइंड। इसे आप नाम से ही समझ गए होंगे, ये माइंड दुनिया के गिने चुने लोगों के पास ही होता है। इस दिमाग की खासियत यह होती है कि ऐसे दिमाग वाले इंसान का अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल होता है। इनका दिमाग इतना तेज होता है कि यदि इन्होंने एक बुक एक बार में पढ़ ली तो इन्हें वो बुक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। केवल एक बार देख लेने से इनके दिमाग में सब कुछ छप जाता है। अब बात यहाँ आती है कि आप अपने दिमाग को ब्लेस्ड माइंड या कंसंट्रेशन माइंड में किस तरह बदल सकते हो। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, महर्षि पतंजलि के अनुसार उनके अष्टांग योग सूत्र, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगर कोई इंसान इन योग को पूरे अनुशासन के साथ करता है तो वो ब्लेस्ड माइंड की स्टेज तक पहुंच सकता है। अब बात आती है कि आप अपने माइंड को किस तरह रेस्ट दें, शांत करें, तभी IQ लेवल बढ़ेगा ना। शांत करोगे, आपको करना क्या है, सुबह 4 से 5 के बीच में मेडिटेशन करना है। 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी भी देर आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह सुबह 4 से 5 बजे के बीच में ही करें।
क्योंकि यह समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। अब बात आती है माइंड की एक्सरसाइज। माइंड की एक्सरसाइज कैसे करें? आपको दिन में 1 घंटे कोई भी बुक पढ़नी है, कोई भी बुक, 1 घंटा 2 घंटा जितनी भी देर आप पढ़ सकते हैं, यह है माइंड की एक्सरसाइज। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।